What the fuck, Chipkali? Shit. Guys, good morning. How you all doing? And welcome to the another vlog. So guys, right now हम जा रहे थे early morning lake पे walk करने के लिए और around 7:24 हो चुके हैं और हम लोग अभी आ चुके हैं गेडी route पे. तो हम लोग पूरे चंडीगढ़ का round मार रहे थे सुबह सुबह. तो हमें एक बहुत ही interesting चीज दिखी है. You wanna see? Guys, it's a tank और ये ऐसा वैसा tank नहीं है. It's a very special tank. इसकी जो भी है डिस्क्रिप्शन में आपको अभी एक मिनट में स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा, पढ़ लेना पॉज करके. और बेसिक जो मुझे पता है भी ये इंडो पाक वॉर में कैप्चर किया था और ये यहाँ पर रख दिया गया है. इट्स यू नो क्या कहते हैं उसको, मेमोरियल नहीं, हिस्ट्री. तो आप ये पॉज करके पढ़ सकते हो. बट राइट नाउ इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, ये टैंक वॉज मेड इन पाकिस्तान. एंड या अभी चलते हैं इसके ऊपर एंड आई विल शो यू व्हाट्स इनसाइड दिस टैंक. गाइस, राइट नाउ वी आर ऑन अ टैंक. यस, एंड दिस इज नो अदर टैंक. इट वाज कैप्चर्ड इन इंडो पाक वॉर. सो इट्स अ वेरी स्पेशल टैंक एंड राइट नाउ आई एम ऑन दिस टैंक एंड यू नो आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ गूज़बम्प्स. सो या लेट मी जस्ट शो यू व्हाट्स इनसाइड दिस टैंक. सी, दिस इज इनसाइड द टैंक और ये है मशीन गन, जो मशीन गन लगी होती है आगे. और थोड़ा सा और नीचे अगर मैं करूँ, मैं 2x जूम पे उस टाइम. और ये सारे हाइड्रोलिक्स हैं जैसे कि आप देख सकते हैं. और यहाँ से पीपल यू नो यूज द सोल्जर यूज टू सी द रोड इन फ्रंट ऑफ जो उसके सामने थी ये रोड, यहाँ से देखते थे वो लोग. और वही ये है विंड स्क्रीन जहाँ से बाहर का व्यू मिलता था. सो ये आप देख सकते हो कितना नैरो विंड स्क्रीन है. और ये है टॉप एंड दिस इज द टॉप ऑफ द टैंक. एंड ये वो मैकेनिज्म है जिस पे वो टैंक घूमता था 360 डिग्री में. और वो नीचे आपको चेन दिख रही है उसकी. और गाइस, अंदर से ये टैंक पूरा ख़त्म हो चुका है जैसे कि आप देख रहे हो. नथिंग, इसकी जो नीचे वाली लेयर है वो सारी डिप्लीट हो चुकी है, रस्ट लग चुकी है. और ये है इंजन, इंजन है टैंक का. ये है टैंक का पिछला हिस्सा और यहाँ पे ये शाफ्ट है वो टूट चुकी है जो कि इन टायर्स को पावर देती थी. लेट मी जस्ट शो यू, थोड़ा कैमरा नीचे कर रहा हूँ, जो कि इन टायर्स को पावर करता था जैसा कि आप देख सकते हो गाइस. ये पूरा कंप्लीट ये वाला पार्ट वहाँ इंजन के साथ जुड़ता है जाके, जो कि अभी नहीं है. सो यहाँ से दे यूज टू लोड द एमो एंड फायर. हाँ, तूने ऐसी शक्ल की बनाई हुई. जब हम आ चुके हैं फ्रंट पे टैंक के और फिलहाल मैं खड़ा हूँ जहाँ से डीजल डलता है इसके अंदर. ये देखो, लेट मी शो यू जगह जहाँ से इसका डीजल डलता है. जैसा कि आप देख सकते हो क्लियरली डीजल फ्यूल ऑयल लिखा हुआ है और यहाँ पे गैसोलीन लिखा हुआ है. सो ये था टैंक इसका. लेट मी जस्ट, आई नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस वन. सो ये है गाइज इंजन सारा, जैसे कि आप देख सकते हो ये सारा इंजन है टैंक का. मैं थोड़ा आगे नहीं जा सकता हूँ बिकॉज ये सारा टूटा हुआ है. और ये है इसका मोटर का फ़ैन, देख लो गाइस किस हालत में है सब कुछ. बट जो भी है काफ़ी अच्छा रिस्टोर कर रखा है. इसे जो मैंने विंडस्क्रीन दिखाई थी अंदर से, वो आगे से कुछ ऐसी लगती है. बेयरली यू कैन सी एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड बट अंदर से इट्स अ वेरी क्लियर व्यू बट वेरी नैरो दो. और राइट नाउ अभी हम हैं एक पेड़ की ऊँचाई पर. इस नाउ वी आर गेटिंग ऑफ दिस टैंक. सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल. ध्यान से आइयो. तू कहाँ से उतर रहा है? आई नीड टू बी केयरफुल. क्या था? आई नीड टू बी वेरी केयरफुल गाइस. सो या गाइस, ये था वॉर टैंक एक्सक्लूसिवली रिशु व्लॉग्स पे. और हाँ, ऐसा ही कंटेंट देखना है तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर लो. और ऐसी खतरनाक, ओए फॉर द फक चिपकली शिट, आ चुके हैं नीचे. और टैंक पीछे से कुछ ऐसा लगता है जैसे कि आप देख रहे हो ये दो शाफ्ट्स हैं जिससे कि रेयर व्हील्स को पावर मिलती थी एंड टैंक आगे चलता था. ये देखो गाइस, ये हैं चेन्स और दीज आर दी व्हील्स जिससे टैंक की चेन चलती थी. सो
ये भी अगर आपको मैं व्हील्स दिखाऊं, इनके ऊपर भी एक रबर की कोटिंग होती है जो कि ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल, बिकॉज़ ये टैंक बहुत ही पुराना है। और ये देखो गाइस, जो कि रबर की कोटिंग उतर चुकी है। और आगे से अगर मैं आपको दिखाऊं तो आगे से ये टैंक कुछ ऐसा दिखता है। एंड करंटली इफ़ यू वांट टू नो विच लोकेशन दिस इज़ गेड़ी रूट, और चंडीगढ़ में बहुत ही फेमस जगह है गेड़ी रूट। तो यहाँ आओ तो ये टैंक को ज़रूर चेक करना। गाइस एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आज बहुत दिनों के बाद हम लोग R15 पे घूम रहे हैं, मेरी बाइक तो खड़ी रहती है, सो आज बहुत दिनों बाद हम बाइक पे घूमने आए हैं सुबह, वो भी सुबह सुबह। और मेरे मौसम अच्छा है, इतनी गर्मी है ना क्या बताएं। और हमारे पीछे भी बहुत ही अच्छा गार्डन है, यहाँ पे मोर था, यहाँ पे मोर भी था, लव बर्ड्स भी थी। और सुबह सुबह लव बर्ड्स। और A few moments later. इस आफ्टर ब्रेकफास्ट हम लोग आए हैं सुपर मार्केट, सो थोड़ी सी चिप्स की शॉपिंग करेंगे बिकॉज आज हम देखने वाले वर्ल्ड कप। सो ये वाला ले लो, बड़ा ही ले ले एक, मेरा फेवरेट तो ये ले लो, बड़ा एक यार ये ले लो, ये भी लेना है यार, कुरकुरे लो जिसमें क्वान्टिटी ज़्यादा हो, तो ख़त्म हो जाएंगे चट्टी। ये तो मैंने खाने हैं ना वैसे टेस्ट के लिए, तो हम क्या खाएंगे? अरे मजाक कर रहा हूँ, रख दे मैक्स रख दे, ऐसा कुछ ले ले भी सब में पूरा पड़ सके। पड़ गया दसा में तेन की करना जो खाना यार, ये पड़ी ये रही, ये देख तेरे हाथ के पास बिल्कुल वो देख, नीचे 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 नीचे, हाँ हाँ नीचे, इसे इसे नीचे, इसे नीचे लेफ्ट, यस यू गॉट इट ब्रो। इज ऑलमोस्ट हमारा स्नैक पूरे हो चुके हैं, सो लेट्स गो अपस्टेयर्स। और हम लोग करेंगे डच, फर्स्ट टाइम आयुष और मैं डच कर रहे हैं किसी चीज़ पे, बिकॉज वी आर टाइट ऑन अ बजट। सो गाइस नाउ वी आर हेडिंग आउट, डोंट माइंड द हेलमेट बिकॉज आई एम वेरी नियर टू माय हाउस, सो आई डिडंट पुट माय हेलमेट ऑन। एंड गाइस द वेदर इन चंडीगढ़ जस्ट चेंज ड्रास्टिकली एंड इट्स सो dusty all around, as you can see everything is just smoked and I don't feel like coming out. A few moments later, guys, how are you doing so right now? Abhi mere ghar pe koi nahi hai aur hamara ek din se night out chal raha hai, aaj bhi night out hoga, so abhi hum log kitne 11 baje uthe hain aur see hum log kya kar rahe hain अभी हम लोग कर रहे हैं एग्स बीट, और आयुष की मेहरबानी से उसने मेरे को उठाया नहीं 6 बजे, तो हमने पानी पूनी भरा नहीं है। और अभी किचन में बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है गाइस, सो आज हम करेंगे किचन विद रिशु ब्लॉग, सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या हो रहा है गाइस, पहले करेंगे एग्स को बीट अच्छे से। हाँ निशा मधुलिका डॉट कॉम, ये है हमारा नमकदानी, लाइक एवरेस्ट का झोंक दिया झोंक। सो अभी मैं लूंगा एक नमक, नमक तेज खाना नॉर्मल नॉर्मल, और नमक फिर हम लेंगे थोड़ी सी तीखी मिर्च जो तुम्हारे बदन में गदरीला इफेक्ट देगी। कौन सा इफेक्ट? गदरीला। सो गाइस ये तो हमने डाल दी है, सो अब फिर से करेंगे एग को बीट। तवा हमने गरम कर दिया है और ये चम्मच पता नहीं किस बेवकूफ ने रख दिया ऊपर गरम होने के लिए, बिल्कुल गैस ही बंद है। एग्स को करेंगे बीट्स फिर से, एग्स को बीट्स करेंगे, बीट्स जस्ट लाइक डिजी ब्रेक्स की। और अब हम इसको लेटा देंगे जल्दी डाल, देखिए कैसे तैर रहा है ये,
So guys, finally मैंने rocket ship का egg बना दिया है।